बेंगलोर शहर स्थित एक रेस्टोरेंट इन दिनों लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ ग्राहकों को भोजन परोसने का काम रोबोट कर रहा है। अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट की सेवा लेने वाले राज्य का यह पहला शहर भी बन गया है। शहर के विनोद नगर में स्थित इस रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को पानी और भोजन परोसने के लिए रोबोट का प्रयोग करना शुरू किया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि उसने इसे लगभग 5.5 लाख रुपए में खरीदा है। इसके रेस्टोरेंट में काम करने के बाद ग्राहकों की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि यह न केवल टेबल पर पानी और भोजन परोसता है, बल्कि यह होटल के मेन्यू को भी पढ़ता है। जिस गति से वह चलता है उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। इस रोबोट को 2 घंटे चार्ज करने पर वह 25 घंटे के लिए काम करता है।